हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हम आपके लिए फिर से एक बार आज के दिन ये दूसरा मेरा वीडियो होगा, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसमें क्या है कि हम जो फॉर्मूले आपको और बताए थे, जो टेबल बनाकर बताए थे और उसको सिखाया था कि मतलब इसको कैसे याद करना है, लर्न करना है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 आपके लिए लाए हैं और इसमें हम और भी बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन फॉर्मूला होता है, जिससे आप सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बनाते हो, वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, इसी फॉर्मूले से हम बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं ना, सबको निकाल देंगे। केवल आप ये फॉर्मूला बस याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात याद रखिएगा बच्चे, क्या होता है कि बच्चे कभी कभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई लिखा हो तो भी 1 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है यहां वाला एंगल जो साइन स्क्वायर थीटा के साथ होता है वही कॉस स्क्वायर के साथ भी वही एंगल होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वैल्यू का मान 1 नहीं हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना है, एंगल दोनों सेम होने चाहिए, फिर चाहे वो थीटा थीटा हो, फिर चाहे वो एक्स एक्स हो, फिर चाहे वाई वाई हो, फिर चाहे वो जेड जेड हो, चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे 1 डिग्री इधर हो तो 1 डिग्री इधर भी होना चाहिए, 2 डिग्री इधर है तो 2 डिग्री इधर भी होना चाहिए, तो वैल्यू का मान 1 ही होने वाला है। आप इसके ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कोई भी एंगल हो पर वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी वैल्यू का मान 1 होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें करना है क्या बच्चों, इसी से बाकी जितने फॉर्मूले होते हैं वो हम निकालेंगे। पहले आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट में भेजेंगे तो क्या लिख जाएगा, ट्रांसफर कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस राइट में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर ले जाइए, तो आपका 1 पहले से ही है वहां पर, तो 1 माइनस क्या लिख जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों क्या करना है, ये जो दो फॉर्मूले आपके आए हुए हैं वो इसी के थ्रू आए हुए हैं, तो अब हमें करना क्या है कि बाकी के जो फॉर्मूले होते हैं उनको समझना है क्या करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा ये जो आपके आ गए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ये भी आ गए, अब हमें करना क्या, इसी फॉर्मूले को फिर से ले लेना है। तो यहां लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों फॉर्मूलों को भी लेके हम कर सकते थे, बट हमने सोचा कि अगर आप इनको नहीं ले रहे इसी को लेकर करना चाहे तो भी हो सकता है और इसी से ही कर लीजिए आप। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है। आप क्या करिएगा, दोनों साइड्स में आप साइन स्क्वायर थीटा से एक बार डिवाइड कर दीजिएगा, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा, बाकी जो फॉर्मूले होंगे वो भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा वी गेट। बच्चों हम दोनों साइड में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, हम साइन स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता है यहां पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का टर्म्स है वो भी स्क्वायर में दिए गए हैं, तो स्क्वायर के टर्म्स किसी एक वैल्यू से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे फिर साइन स्क्वायर से कर लें तो चाहे कॉस स्क्वायर से कर लें। तो हमने साइन स्क्वायर से पहले डिवाइड किया है, तो डिवाइड जब करेंगे तो बच्चों हम पूरे इक्वेशंस में करते हैं इधर भी उधर भी, तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से, और कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और 1 के नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 बचेगा प्लस बचेगा कॉस अपॉन साइन। देखिए मैंने इसके ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में हमने बताया था कि कॉस अपॉन साइन थीटा अगर लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो उसको क्या लिखा जाता है बच्चों, कॉट थीटा। तो यहां भी कॉस अपॉन साइन है तो इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा, लेकिन बच्चों यहां पे अगर स्क्वायर होगा, यहां पे स्क्वायर होगा तो यहां पे भी स्क्वायर लग जाएगा आपका, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा है ये, 1 अपॉन साइन थीटा किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा का, लेकिन स्क्वायर है तो हम इसको लिख देंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। लीजिए एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर या तो फिर हम और लगा के लिख दें कि भाई 1 इज इक्वल टू
कॉसिक स्क्वायर थीटा है, कॉट को उधर ले जाइए तो ये लिख जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी फॉर्मूले से ये भी आ गया, कॉसिक स्क्वायर थीटा की तरफ हम कॉट स्क्वायर को ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो याद रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा और 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे ये लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं और कहीं ये लिखा है तो उसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं। इसको ये लिखा जा सकता है तो इसको ये लिखा जा सकता है, दोनों तरफ से हम उस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो सवाल है कहां कैसी जरूरत है आपको। तो ये और करके हम इससे दो फॉर्मूले बना लिए। उसके बाद इसी चीज को हम फिर से लेंगे और हम आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि हम दोबारा से इसको बता सकें। फिर बच्चों हमें यहां पर लिखना होगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की किसके पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया था, अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो इधर भी बच्चों करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा होता है, जैसे कॉट का उल्टा होता है कॉट थीटा, उसी तरह से टेन थीटा होता है बच्चों साइन थीटा। मैंने लिखवाया है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस क्या है, तो उसको टेन स्क्वायर क्यों लिखा गया है क्योंकि स्क्वायर है, ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी 1 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस बच्चों होता है सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में आप देखेंगे तो इसके रेसिप्रोकल्स मैंने लिखवाए हुए हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो वो ज्यादा अच्छा लिख रहा है लगता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखें, प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं संख्या में कोई चेंजेस नहीं आता। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये फिर दो फॉर्मूले आपके बन गए, तो इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो मान लीजिए इसी को हमने ऐसे लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाइए तो ये क्या लिख जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए क्या करना है, कहीं भी अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखना होगा, अगर कहीं 1 लिखा है तो उसको ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में आपने लिखा था 1, इसी तरह से 1 लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या देखा इस वीडियो में, आपने देखा कि हम एक ही वैल्यू यानी एक ही फॉर्मूले से आपने ये जितनी भी चीजें की है सिर्फ एक फॉर्मूले से किया है, यानी अगर आपको याद रखना है तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सब बेसिक थे और छोटे छोटे वीडियोस हैं, लेकिन आपको बोरिंग नहीं करना है, आपको अच्छा पढ़ाना है, हम आपको अच्छे से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन वीडियोस को ध्यान से देखें और समझें, आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ थोड़ा बहुत क्लियरिटी वगैरह के लिए आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिक चीजें, अगर आपको ये सब नहीं आते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये बेसिक चीजें पढ़िए। हम मैथ्स में जितने भी वीडियोस होंगे और हर टॉपिक पे अलग अलग बनाएंगे, फिर वो चाहे अब ये मत देखिएगा कि हम 9th का बना रहे हैं कि 10th का बना रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का बना रहे हैं कि इंटर का बना रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं जो बच्चों को जरूरत होता है, जिन चैप्टर्स को वो अच्छे से रीड कर सके, जिनका बेसिक बिल्कुल कमजोर है वो उनको बिल्कुल नहीं आता है, वो इस वीडियोज को देख कर अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हैं और फिर आप क्या कर सकते हो उसके सवाल लगा सकते हो। तो याद रखिएगा हम आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सीखिए, आप बेसिक चीजें सीखिए, उसके बाद हम उसके सवाल भी आपको समझाएंगे कैसे उसको लगाना होता है, हम हर एक टॉपिक जो कि बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको इजी करके बताएंगे, ताकि अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो भी हम उसको कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से अच्छे सवाल आपको समझ में आए, और जितने भी फॉर्मूले हम आपको बताएंगे वो बहुत ईजी होंगे और याद करने में सबसे आसान होंगे। Thank you very much.